दिल्ली की हिंसा को 10 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। आज हम घूम रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की गलियों में। अभी हम हैं भजनपुरा के इलाके में, खजूरी खास के इलाके में, और लोगों के घर जल चुके हैं, उनका सारा सामान जो है वो जल चुका है। लोगों बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म्स तक जल गए हैं, और स्कूलों में जब बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि आप यूनिफॉर्म पहन कर आइए। काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे प्राइवेट स्कूल से भी सामने आए हैं। कॉम्पनसेशन फॉर्म्स जो लोग फिल कर रहे हैं उसमें आधार कार्ड उनसे मांगा जा रहा है, ऐसा भी लोगों ने हमें यहाँ पर बताया। और जबकि रिलीफ वर्क चल रहा है, लोगों का बड़ा सवाल ये है कि आखिर उनकी ज़िंदगी जो अब ज़ीरो से उन्हें शुरू करनी पड़ेगी, उन्हें कितने साल लग जाएंगे अपनी ज़िंदगी को ठीक करने में। सकते हैं ये घर किस हाल में है अभी। तो यहाँ पे मतलब कुछ हमारा सारा चीज़ जल चुका है, कुछ भी नहीं है मैं भी यूज़ करने के लिए, और मतलब हम लोग को रहने के लिए भी अभी जगह नहीं मिला है। हम लोग रेंट पे जाने के लिए भी सोच रहे हैं तो हमारे पास मतलब इतना नहीं है कि हम अफोर्ड कर पाए रेंट पे भी अभी। और जो रेंट मतलब पहले 2000 हुआ करता था कमरों का, 3000 हुआ करता था, वो सीधा 4000-5000 हो चुका है। और मतलब बच्चों को स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम है, यूनिफॉर्म्स नहीं है उनके पास, लोग अपने रोज़गार पे नहीं जा सकते क्योंकि बाइक वगैरह सब कुछ जल गया है, कुछ बचा नहीं है। हम लोग जैसे कि यहाँ रह रहे थे, हमारा फ्लोर मतलब पूरा घर मतलब बहुत अच्छा सा था, 3 फ्लोर का था, अच्छे से बना हुआ था। हम लोग मतलब ऐसे नहीं थे कि हमें मतलब कुछ ना, हमारे पास हर चीज़ थी, लेकिन इस हादसे के बाद हम लोग बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। हमें बिल्कुल ज़ीरो से हर चीज़ शुरू करनी पड़ रही है। उस दिन मतलब जब ये हादसा शुरू हुआ था, जिस बिल्डिंग में हम सारे मतलब सारे लेडीज़ और बच्चों को एक ही बिल्डिंग में जमा कर दिया गया था, और उस दिन जब मतलब ये दंगा शुरू हो गया तो उस बिल्डिंग में सबसे नीचे वाले फ्लोर में आग लगा दिया गया था सिलेंडर से, और वो मतलब कुछ बम वगैरह था हाथ में उनके, वो फेंक रहे थे, बॉटल वाली बम थी, तो उससे मतलब पूरा मतलब जो आग की लपटें ऊपर सेकेंड फ्लोर पे आ गई थी, तब हम लोग को देख के बहुत डर लग गया था। और बाहर जब झाँका तो सिर्फ धुआं ही धुआं था, हर जगह आग लगी हुई थी। और उस दिन हम लोग जान बचा के किसी तरह छत पे गए तो वहाँ पथराव हो रहे थे चारों तरफ से, बहुत सारे लेडीज़ थी, बच्चियाँ थी, और बहुत से बुज़ुर्ग भी थे उसमें हमारे साथ। उन लोगों को हम लोग मतलब थर्ड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पर कूद के लेके गए थे वहाँ से, और फिर ऐसे करके हमने 2 छत मतलब कूदा है। उसके बाद हम दूसरी गली में पहुँचे हैं एक गली से, फिर वहाँ से हमें किसी भी तरह से सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया गया था निकलने के लिए कि अगर आप अपनी जान बचा सकते हो तो उस 2 मिनट के अंदर यहाँ से निकल लो। तो उस 2 मिनट के अंदर लोग मतलब इतने दहशत से भागे, कोई गिर रहा था, कोई उठ रहा था, किसी को डंडे मार रहे थे वहाँ पे जो लोग खड़े थे, और जय श्री राम के नारे लग रहे थे उस दिन। और किसी तरह हम लोग वहाँ से जब जान बचा कर भागे हैं, तो मतलब अब जो हम वहाँ पर रह रहे हैं एक मतलब डिटेंशन सेंटर की जैसा हो गया है वो, मतलब एक रूम में हम 4-5 फैमिलीज रह रहे हैं, लोगों को मतलब चीज़ें नहीं मिल पा रही है सही से। बहुत सी रिलीफ आती भी है तो कुछ लोगों तक जाती है, कुछ के पास नहीं जा पाती है। जी मैं ना उस दिन यहीं पे थी, और जब आग लग रही थी तो हम ऊपर थे, और जब आग लग रही थी तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। आग लगाई जा रही थी, हम अपनी आँखों से सब चीज़ देख रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम एक दूसरे से ये पूछ रहे थे तू ठीक है या तू ठीक है, और जब लास्ट में हमें लगा कि अब हम नहीं बचेंगे तो हम एक दूसरे को कॉल करके लास्ट मैसेज कर रहे थे कि आप अल्लाह खैर करे और जो भी हो अब हम बच नहीं सकते, उम्मीद नहीं है। फिर भी मैं अपने भाई वगैरह से गले मिल के रो रही थी कि मेरी 2 महीने की बेटी है, उसको बचा लो, बस कोई भी कैसे भी बचा लो। हम बहुत उम्मीद से हम पुलिस वगैरह को फ़ोन कर रहे थे, कोई मतलब वो यूँ कह रहे थे किसी को चोट लगी है तो बताओ, तो मैं एम्बुलेंस भेजता हूँ, वो वेट कर रहे थे कि किसी को चोट लगे। मैंने उनसे रो रो के बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह सब है, मैंने सब चीज़ रखा। उस टाइम हमारी हालात ऐसी थी कि बस हम ये सोच रहे थे कि कैसे निकला जाए या हमारे साथ क्या हो रहा है। हम ऐसा लग रहा था कि सपने में हैं हम, बस जगह तो सब खत्म हो जाए। दंगाइयों ने तो अपना काम करके चले गए, लेकिन हमारा जो ये हाल हुआ, आज बच्चों की सारे लाइफ बर्बाद हो गया, पूरे साल की मेहनत ख़त्म है ना। बच्चे जो दोबारा किताब पढ़ेंगे उनके मेंटलिटी उस तरह बिल्कुल नहीं है। दूसरी
हमारे सारे मतलब सारे जो पेपर घर की डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी पैसे वगैरह था, कुछ मेरे गोल्ड भी था 10-12 तो लगभग ऐसे था, और जो कैश था क्योंकि मेरे गाड़ी ले रखी थी तो मतलब इसमें किस्तों पे ले रखी थी उसका, मेरे तो 70,000 करीब तो मेरे किस्त जाते हैं, तो वो मेरे इस महीने की किस्त जमा करना था, वो सारे पैसे सब कुछ जल चुके हैं, प्लस वो बर्बाद हो गया, और आगे की जो हमारे काम की सोर्स वो बंद हो गया, तो आगे की लाइफ हमारे कैसे काटेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो अगर सरकार की तरफ से हमारी कोई मतलब मदद ना हो, हम कहाँ जाएंगे? हम भी तो भारत की ही हैं, हम क्या बाहर से आए हैं? इस हादसे का हमारे बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि जब हम भाग रहे थे, बच्चों ने जो मतलब यूनिफॉर्म्स में पुलिस वालों को हम लोग के ऊपर पथराव करते देखा था, वो इतना डर गए थे। जब बाद में 2 दिन बाद हमारी सेफ्टी के लिए फोर्स गली में लाया गया था, तो बच्चे मतलब हमसे सवाल कर रहे थे कि मम्मी ये कौन सी वाली पुलिस आई है, हमें बचाने वाली आई है या हमें मारने वाली आई है।